उन्नाव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और यहाँ पर देखिए पीड़िता का परिवार धरने पर बैठा है, मांग है योगी आदित्यनाथ को बुलाने की। इस बीच उन्नाव के डीएम और एसपी यहाँ पर आ चुके हैं। डीएम साहब, परिवार लगातार मांग कर रहा है, क्या इनकी मांगे ऐसी हैं कि पूरी नहीं की जा रही? देखिए अभी हम लोग आए हैं और वार्ता करते हैं, पूरी संवेदनाएं हम लोगों के उस परिवार के साथ है, अत्यंत दुखद घटना है और वार्ता करके हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। तमाम मांगे तो मान ली गई हैं, वो नौकरी की बात कर रहे थे, शायद नौकरी के आश्वासन भी आपकी तरफ से दे दिया गया है। नहीं, हम अभी बात कर लेते हैं, बात करके जो भी इनके समस्या का निदान होगा उसके निदान करने की कोशिश जरूर करेंगे हम लोग, पूरी संवेदना इस परिवार के साथ। पुलिस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं एसपी साहब यहाँ उन्नाव की, और सीओ को कटघरे में खड़े कर रहे हैं लगातार ये परिवार वाले। अभी मुझको उस प्रकरण के एडिशनल एसपी जांच करा रहे हैं और अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद उसपे कार्रवाई होगी। अभी तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है सर, सस्पेंड हुए हैं? अभी तक हमने जो है थाना प्रभारी को जो है उसको लापरवाही में मुकदमा लेट पंजीकृत करने में और बरामदगी न करने में लापरवाही पाने पर उसको सस्पेंड कर दिया। और जो रेप की बात कही जा रही है, क्या उसमें एफआईआर में धारा जुड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल जुड़ेगी। और पोस्टमार्टम की बात कही जा रही है, सवाल उठा रहे हैं कि पोस्टमार्टम में रेप की बात नहीं आई है, वो टेक्निकल चीज़ क्या है जरा ये बता दीजिए। वो एफएसएल से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फॉरेंसिक से? जी जी जी। बहुत शुक्रिया, डीएम एसपी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और परिवार वालों से यहाँ मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी मृतका के शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। कैमरा से वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, उन्नाव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।